Short. One level short. Oh, Cat Maria. Level Cat Royce. Oh, Rod Cover Queen. Queen Cover. और यहाँ पर चैप बैठा है. Unbelievable shot. तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये आज जो है बहुत ही बड़ा कैरम बोर्ड मैच होने जा रहा है राइस अहमद जाहिद खान के दरमियान. तो जी ये जो है राइस अहमद जो है ये भी प्लेयर है और ये भी प्लेयर है, लेकिन वो जो है अच्छा खेलते हैं इनसे, इसीलिए उन्होंने रायत के लिए कितने पॉइंट दिए हैं, 23 पॉइंट जो है इनको दे दिए हैं कि आगे जो है ये मतलब मुकाबला एक पॉइंट अगर करेंगे तो लव लग जाएगा. बाकी उन्होंने रायत के लिए इनको 23 पॉइंट दिए हुए हैं. अब देखते हैं जी कौन जीतता है और मुकाबले में जीतने वाले को क्या दिया जाएगा, ट्रॉफी और तीनों की बोतलें. तो चलिए जी आपके सामने अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है. आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, आपको काफी मजा आएगा. चले जी तो आज का बहुत बड़ा मैच, मलिंगा ने शॉट प्ले किया और यहाँ पर कोई वाइट नहीं गई. पारी है रॉयस अहमद की, ब्लैक सूट, ब्लैक उनकी पहली पारी में आई है, ब्लैक पीस. तो सामने बैठे हैं नुमान खान जो मलिंगा खान के सपोर्ट कर रहे हैं उसे. तो यहाँ पर रॉयस अहमद ने वाइट डाली है, पारी है मलिंगा खान की और यहाँ पर बहुत अच्छी शॉट देखने को मिली. लेकिन स्ट्राइकर उस तरह लगा नहीं जिस तरह वो मारना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर राइस अहमद क्वीन को फोकस करेंगे क्योंकि उनको 23 नंबर ऑलरेडी दे दिए हैं गाइस. तो देखते हैं कि राइस अहमद क्वीन तक पहुँच पाते हैं या नहीं. क्वीन अभी भी सेफ है. तो देखते हैं मलिंगा खान देखते हैं कैसे खेलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज के मैच में. और यहाँ पर क्वीन अभी भी नहीं गई लेकिन ब्लैक चली गई है. अब क्वीन डालते हैं या नहीं और यहाँ पर क्वीन हो गई है गाइस कवर. तो आपको बताता चलूँ हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आने वाली हर न्यू वीडियो ऐसे चैनल के साथ अब तक पहुँचती रही. आपने मुझे बहुत प्यार दिया बांग्लादेश से, इंडिया से और कश्मीर, पाकिस्तान, कहाँ से, माशाल्लाह आपका अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं. तो ऐसे ही अगर आप कोई और कंट्रीज हैं तो मुझे कमेंट में बता दें. तो मलिंगा खंड शॉट खेलते हुए कोई मुश्किल शॉट है लेकिन मुश्किल को आसान किया, चैप बैठा था. तो अब देखते हैं मलिंगा खंड क्या करते हैं. तीन ट्राई खेली, कोई तो जाएगी लेकिन ये लाला चौथी है. राइस अहमद ने शॉट खेली, तीनों को ही ओपन किया लेकिन दो जोंसी ये मुश्किल है. फ्रंट पे जो पड़ी है वो जोंसी आसान है लेकिन मुश्किल वाली आज है जी. मलिंगा खान ने डाल दी और देख सकते हैं मलिंगा खान को एक चांस है क्योंकि राइस अहमद की एक हार लगाई बैठे हैं वो. अब देखते हैं क्या करते हैं मलिंगा खान. यहाँ पर बहुत अच्छी शॉट खेली, राइस अहमद को मुश्किल में कर दिया क्योंकि अगर राइस अहमद ब्लैक खेलेंगे तो वाइट जाएगी. तो देखते हैं, बनिए रहिए कि कैसे. और यहाँ पर अकेली जोंसी थी और मलिंगा खंड की जोंसी तीन है वो बहुत ही आसान पड़ी हैं देख सकते हैं, क्योंकि एक मुश्किल है जो वो हार्ड है वो नहीं खेल सकते, उनको सामने बॉर्डर में मार के उनको खेलना होगा. तो देखते हैं कि क्या करते हैं, लास्ट बहुत मुश्किल है. तो यहाँ और वो यहाँ पर निशान लगाया कि मैं यहाँ डाल सकता हूँ, देखते हैं. और यहाँ पर और राइस अहमद की मुश्किल साथ आके बैठ गई है और यहाँ पर फासला भी नहीं है स्ट्राइकर का. पहले जोंसी है वाइट को लग सकती है, चेक कर रहे हैं वाइट को पहले लग सकती है, इशू नहीं है लेकिन दोनों चली गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी राइस अहमद के लिए. और राइस अहमद ने बोर्ड 6 पॉइंट लिए, 5 क्वीन के और एक वाइट पर थी, बाहर 1 पॉइंट वाइट पर था. 6-0 का मुकाबला जा रहा है. तो देख सकते हैं भाई हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगर न्यू है तो. यार आप कहां से वीडियो जो देखते हो तो लव यू हो गया फैंस को क्योंकि बहुत अच्छे कमेंट करते हैं. और मैंने तो कहा, मैंने बोला कि मैं यूट्यूब चैनल जब मैंने बनाया तो मैंने कहा
कि सोचा कि यार ये कोई कैरम बोर्ड को देखता भी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जैसे मुझे प्यार दिया तो माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर मेरे जो उनसे हैं 14,000 होने वाले हैं। तो आपके प्यार मोहब्बत, आपकी सपोर्ट हमें, और आपकी सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो 6-23 का मुकाबला शॉर्ट रॉयस अहमद की है, रॉयस अहमद शॉर्ट प्ले करेंगे और वाइट जोन सी है रॉयस अहमद के। इस दफ़ा क्योंकि शॉर्ट जो प्ले करता है उनकी वाइट होती है और बहुत उमदा शॉट खेली है यहाँ पर। तीन भी तीसरी भी क्वीन भी जा सकती थी लेकिन रह गई, लेकिन क्वीन अब चली गई है, साथ में ब्लैक भी डाल दिया उनकी, लेकिन बारी फिर भी रॉयस अहमद को मिलेगी यहाँ पर। को कवर नहीं हुआ, कवर नहीं हुआ, कवर कवर नहीं हुआ, वो बता रहे रईस अहमद क्वीन निकाल लो, क्वीन निकाल लो। तो रईस अहमद ने क्वीन निकलाई, उनको भूल गया था कि क्वीन निकालनी है या नहीं, प्रेशर में खेल रहे हैं। क्या हालांकि उनको 23 पॉइंट रईस अहमद ने छूट दी हुई है रियाती तौर पर। और शॉट है रईस अहमद, देखते हैं क्वीन, लेकिन क्वीन को बनाया। इस दफ़ा क्वीन के कवर के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर क्वीन कवर किया रॉयस अहमद ने और 23-6 का मुकाबला है। तो बहुत अच्छी शॉट है और यहाँ पर मिसिंग की और क्वीन आएगी बाहर, क्योंकि मुश्किल शॉट होती है क्वीन। आसान पीस जो था बड़ा हो वो क्वीन कवर करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्वीन कवर करना बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर जब चैलेंज का मैच लगा हो। तो देखते हैं, अगर रॉयस अहमद कल भी हार गए थे, बच्चे मतीन से लगाई था चैलेंज, उनको दी थी 28 पॉइंट की छूट, रायत 28 की, तो इनको ये बड़े प्लेयर हैं, इनको दी है 23 की पॉइंट की छूट। तो देखते हैं रियायती तौर पर, तो देखते हैं कौन जीता है। चाहे वीडियो को स्किप मत करें, फुल वीडियो देखें। और रॉयस अहमद इस दफ़ा क्वीन पर नहीं ड्रैफ्ट मारी थी ब्लैक को, वाइट भी नहीं ली, क्वीन भी नहीं ली, इसलिए एक पीस उन्होंने कहा डाल दो, तो रॉयस अहमद ने एक डाल दिया। ये कुछ रूल होते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर वायर हिल जाती कोई तो फिर तो कोई नहीं था, अगर वो ड्रैफ्ट जो से पहला स्ट्राइकर फर्स्ट स्ट्राइकर बॉर्डर को भी नहीं लगा, ब्लैक को लगा था। और क्या कट खेली है मलिंगा ने, ताद देने पर मजबूर किया रॉयस अहमद को और फिर बैक खेला और एक और डाल दी। यहाँ पर कोइन पर अभी नहीं आ रहे मलिंगा, देखते हैं कोइन डालते हैं या नहीं। तो गोला रखा लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग, यहाँ रॉयस अहमद ने, रॉयस अहमद को पता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती करता हूँ उसको 23 पॉइंट है उनके, उनको एक क्वीन मिलेगी तो वो जीत जाएंगे, तो इसलिए रॉयस अहमद थोड़ा सा सेफ गेम कर रहे हैं। तो चैलेंज देकर फिर थोड़ा सा जोश से नहीं होश से खेलना पड़ता है, तो होश का। और यहाँ पर मलिंगे ने मिसिंग की, वो देखते हैं रॉयस अहमद क्या करते हैं, रॉयस अहमद बैक आ रहे हैं और यहाँ पर मिसिंग की, मिसिंग इस तरह भी हो सकती है गाइस, देखिए आसान शॉटें मिस कर रहे हैं। तीन जोन सी हैं, तीन ब्लैकों के अंदर तीन वाइट प्रेस ही पड़ी और यहाँ पर प्रेस की कोशिश अपने आप से ना खुश, और यहाँ ज़बरदस्त शॉट खेली है रॉयस अहमद ने। और यहाँ पर, और ये क्या था, लेकिन कवर ना हुई, एक जोन सी है वाइट निकल के बाहर आ चुकी है। तो देखते हैं कट की कोशिश, कट नहीं लग सक, और लेवल शॉट के लिए है मलिंगा, मलिंगा लेवल हो गया आपकी शॉट थी भाई यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन की है मलिंगे ने कवर और बैक खेलेंगे मलिंगा। और यहाँ पर रॉयस अहमद को तीन की तीन वाइट बना कर देती है आबेल, मुझे मार, लेकिन रॉयस अहमद ने भी वहाँ पर अपनी कोई कसर ना छोड़ी मिसिंग की। यहाँ मलिंगा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अगर लास्ट बची है दो मलिंगे की और यहाँ मलिंगा विन कर सकते हैं मैच, लेकिन जो मुश्किल थी रॉयस अहमद की वो भी मलिंगे ने आसान कर दी। और यहाँ पर रॉयस अहमद ने बहुत अच्छी सोच करके उनकी एक हार्ट कर दी है, और ये होती है दिमाग वाली गेम। यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, दो पॉइंट मिलते हैं रॉयस अहमद के, 8 पॉइंट हो चुके हैं रॉयस अहमद के और 23 है मलिंगा के। और यहाँ पर मलिंगा अभी भी खुश है, उनको पता है मैंने 6 पॉइंट लेने हैं, तो रिस्की जो रॉयस अहमद को पता है अगर मैं एक गलती करता हूँ तो उनके 23 पॉइंट हैं, सीधा सीधा
उनको एक विन चाहिए और वो विन कर जाएंगे मैच। लेकिन मलिंगा इस दफ़ा शॉट है मलिंगे की, फुल कोशिश करेंगे कि विन करें मैच। और यहाँ पर तो राइस अहमद का भी सोच यही है कि मैं उनको सेफ गेम खेलूँ, ज़्यादा शॉटें ना खेलूँ, गलती हो गई तो मिसिंग हो गई तो मिसिंग का, क्योंकि कल भी एक उन्होंने हारा था अहमद मतीन से। लेकिन आज देखते हैं, यहाँ पर क्वीन कवर की बारी है, वाइट है मलिंगा की, कवर कर सकते हैं या नहीं मलिंगा, उस तरफ खेल रहे हैं। लेकिन आज ब्लैक बैठी है, मैंने कहा था ब्लैक बैठी है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग की दोनों भी डाल सकते थे, लेकिन मलिंगा ने ऐसा नहीं किया और राइस अहमद की जानिब से शॉट खेली गई। और यहाँ पर दूसरी शॉट अच्छी शॉट थी, यहाँ पर वाइट को नहीं जाने दिया, और अब इस दफ़ा वाइट को नहीं, वाइट बचाते बचाते अपनी भी मिसिंग की शॉट। और यहाँ पर मलिंगा फिर क्वीन की तरफ से, कट तो इनकी पहले जैसी कट थी, लेकिन यहाँ पर किस्मत थी राइस अहमद की। और यहाँ पर आगे जल्दी पर यह वाइट, लेकिन राइस अहमद वाइट को नहीं, राइस अहमद की सोच जल्दी है क्वीन की तरफ है, क्वीन चली गई है, क्वीन अब देखते हैं कवर कैसे करते हैं राइस अहमद। तो यहाँ पर की कवर, और जल्दी वाइट थी, वाइट को अभी भी भाई पड़ी है, और वाइट छे अब जाएगी, क्योंकि वाइट तो अब जाएगी आगे जो पड़ी है। तो देखते हैं क्या करते हैं राइस अहमद, और दोनों ही डाल दी, बहुत अच्छी शॉट के लिए यहाँ पर बैक खेला, और यहाँ पर एक और ब्लैक डाली, बहुत अच्छी शॉटें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर फिर बैक खेला, और यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग हुई बैक पर, मुश्किल शॉट थी। अब मलिंगा की बारी है, मलिंगा अपने पीस कम करेंगे, क्योंकि मलिंगा के 23 पॉइंट हैं और राइस अहमद के 8 हैं। तो मलिंगा यहाँ पर बहुत अच्छा सेफ करते हुए, लेकिन सेफ एक हुई है, एक हार्ड हुई है, दूसरी हार्ड ये लाइन के पार पड़ी है, तो यहाँ राइस अहमद खेल सकते हैं। और यहाँ राइस अहमद ने डबल खेला, डबल ट्राई के लिए एक चली गई थी बाहर, वो आएगी दरमियान में। तो अब पारी है मलिंगा की, मलिंगा देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर एक पीस कम किया और बहुत अच्छे तरीके से हार्ड कर दिया राइस अहमद की गोटी को, और मुश्किल में आ गए हैं राइस अहमद। देखते हैं अब राइस अहमद क्या करते हैं, फिर तेज़ी से, लेकिन नहीं, और यहाँ पर कोई समझ नहीं लग रही, लेकिन उन्होंने पहले जल्दी डाली एक कम की, और लास्ट बच चुकी है। यहाँ पर खेल रहे हैं बैक शॉट, और यहाँ पर बैक शॉट खेला, और मलिंगा यहाँ पर सफेद जल्दी कम करेंगे, उनको पता है पॉइंट ज़्यादा ना दो तो यहाँ पर जीत नहीं सकता, तो पॉइंट तो कम दूँ मैं, उनकी सोच जल्दी यही है। तो देखते हैं क्या होता है, राइस अहमद ब्लैक को यहाँ छेड़ते हैं या नहीं, नहीं नहीं, मुश्किल आप शॉट, ये बहुत मुश्किल शॉट, और यहाँ पर कट खेला, अनबिलीवेबल, 8 और 8 16 पॉइंट हो चुके हैं। राइस अहमद चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हर रोज़ाना वीडियो नई आने वाली, सुबह के टाइम अपलोड होती है, सुबह नमाज के बाद अपलोड कर देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुबह जैसे उठे हमारी वीडियो देखें, और क्योंकि सुबह जब उठते हैं कभी लोग इजी होते हैं, तो सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, तो मैच देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें, न्यू है तो हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहुँचती रहेगी, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे। तो शॉट राइस अहमद ने प्ले किया बहुत अच्छी, इस दफ़ा क्वीन पर आएंगे, क्वीन पर आए और क्वीन यहाँ पर बच चुकी है क्वीन, लेकिन क्वीन अब नहीं बचेगी, क्योंकि राइस अहमद ने कवर जोन से बहुत मुश्किल है राइस अहमद का, लेकिन बैक पे आसान शॉट के लिए यहाँ पर आसान बना के था मुश्किल, लेकिन यही होता है। और यहाँ पर ब्रेकें लग चुकी हैं गाइस, जाम हो गया था पीस। और यहाँ पर मलिंगा देखते हैं क्या करते हैं, 16-23 का मुकाबला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाली न्यू वीडियो अब तक पहुंचती रहे। और हमारे बांग्लादेश फैंस, इंडियन फैंस, नेपाल, कश्मीर, पाकिस्तान, कहां कहां से जो देख रहे हैं यार, पेशावर से देख रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान के शहर पेशावर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया होगा खान भाई। और यहाँ पर हारून भाई भी हैं हमारे, मलिक हारून साहब, मलिक खुबैब साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया हो गया। यहाँ पर हमें देखने वाले अली कसूरा, मलिक बिलाल साहब देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हो गया। तो
हमारे चैनल को इन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं। तो यहाँ पर मुश्किल में डाल दिया मलिंगा को, राइस अहमद को अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं गाइस यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पर उनको पॉइंट तो अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पर टैच खेला और यहाँ पर बैक खेला, अच्छी ट्राई थी लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। 16-23 का मुकाबला क्वीन राइस अहमद किया, राइस अहमद यहाँ जीतते हैं तो उनको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं गाइस। और यहाँ पर बैक डाला मलिंगे ने, बहुत अच्छी गेम है मलिंगे की, कोशिश करेंगे अपने नंबर कम करें और नंबर यहाँ पर कम कर रहे हैं क्योंकि 6 पड़ी हैं ब्लैक, अगर यहाँ पर ब्लैक 6 पड़ी रहती हैं तो राइस अहमद को 6 ब्लैक के 5 को उनके 11 पॉइंट मिलेंगे, 11 और 16 यहाँ तो फिर 27 पॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन मलिंगा को चाहिए कि पीस अपने कम करें और यहाँ पर राइस अहमद को हार्ट मलिंगे की कोशिश की, और यहाँ पर मिसिंग मलिंगे की कोशिश हार्ट करने की थी लेकिन राइस अहमद ने बहुत बड़ी मिसिंग की, यहाँ पर जीत सकते थे लेकिन मलिंगा देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर मलिंगा ने भी मिसिंग की, अभी भी चांस है और अच्छे खासे, और यहाँ पर पूरे तरीके से फंस चुकी है फाइट। और ये कौन सी शॉट है, ये कौन सी, और यहाँ पर आकर बैठ चुकी है लेकिन अच्छे पॉइंट अब नहीं मिल सकते क्योंकि सामने जो सीधी सीधी बन चुकी है मलिंगा पीस कम करते हुए, और मलिंगा अपने आप से सोच में पड़ गए हैं कि क्या करें। तो राइस अहमद देखते हैं राइस अहमद को मुश्किल में डालेंगे या नहीं, क्योंकि पॉइंट हो गए हैं 16 और उनके हैं 23। तो यहाँ पर अपनी ब्लैक को खेला और यहाँ पर वाइट बना कर दे दी है, बहुत गलत शॉट। यहाँ पर गाइस पॉइंट हो चुके हैं 9 और 16, 25 पॉइंट हो चुके हैं, 25-23 का मुकाबला, 25-23 का मुकाबला जा रहा है। अभी तक 23 की जो छूट दी थी वो भी क्रॉस कर चुके हैं राइस अहमद, क्योंकि अभी तक भी मलिंगे ने एक गेम भी नहीं जीती और 23 के 23 खड़े हैं जो उन्होंने रियत में लिए थे पॉइंट। तो देख सकते हैं गाइस बहुत अच्छी गेम जा रही है लेकिन कोई पता नहीं कितनी मेहनत करके भी राइस अहमद भी हार सकते हैं क्योंकि कोई पता नहीं है। एंड में अच्छी शॉट है, मलिंगा क्वीन ले कर जीत भी सकते हैं क्योंकि मलिंगे को चाहिए अभी तक 6 पॉइंट, राइस अहमद को चाहिए 4 पॉइंट। तो मलिंगे ने शॉट के लिए राइस अहमद की शॉट है, राइस अहमद अब शॉटें अच्छी दिखाएं तो क्योंकि फिर ही विन मैच हो गए। और यहाँ पर बैक के लिए पहली फर्स्ट, और यहाँ पर वाइट बना कर दे दिया मलिंगे को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें क्योंकि यहाँ पर जीत भी सकते हैं। तो एंड तक देखें हमारी वीडियो, नो स्किप करें, स्किप मत करें क्योंकि राइस अहमद की शॉट आ चुकी है और आपको अच्छी शॉटें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर चली गई है ब्लैक और यहाँ पर राइस अहमद आ चुके हैं क्वीन पर, और यहाँ पर सामने ब्लैक पड़ गया और ज़बरदस्त शॉट के लिए, अनबिलीवेबल सेंसेशनल शॉट। यहाँ पर चैप बैठा है दोनों का, और दोनों का बैठा है ना, एक तो जाएगी और यहाँ पर शॉटें अच्छी देखने को मिल रही हैं राइस अहमद की जानिब से। और मलिंगा फिर इस दफ़ा अपने आप से नाखुश के क्वीन मैं नहीं ले सका, क्वीन राइस अहमद ले गए हैं। तो यहाँ पर ओपन करवा दिया उनकी ब्लैक, अपनी ब्लैक ओपन की लेकिन उनकी वाइट भी ओपन कर दी है। और यहाँ पर मलिंगा देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर अच्छी शॉट और जो सी मुश्किल थी उसको आसान किया, और यहाँ पर दोनों इकट्ठी डालने की कोशिश लेकिन एक गई है तो गोला रखा नहीं। यहाँ पर छोटा प्रेस है, प्रेस खेलेंगे लेकिन नहीं, प्रेस नहीं लगा। और पारी है राइस अहमद की, यहाँ पर कट के लिए और यहाँ पर बैक खेला लेकिन कुछ भी नहीं बना, वाइट बना कर दे दी है, अपने आप से थोड़ा सा नाखुश है। तो यहाँ पर अच्छी शॉट नहीं खेली क्योंकि चली जाती तो शॉट ही अच्छी थी लेकिन नहीं, यहाँ पर अच्छी शॉट देखने को ब्लैक वाइट पड़ी थी लेकिन ब्लैक बहुत खूबसूरती से डाली, बहुत अच्छी शॉट। यहाँ पर विन कर सकते हैं, काफ़ी पॉइंट पड़े हैं वाइट क्योंकि 4 वाइट बाहर पड़ी हो तो राइस अहमद जीत जाएंगे, वाइट तो बहुत ज़्यादा पड़ी हैं तो यहाँ पर राइस अहमद को जीतना होगा। और यहाँ पर वाइट डाल दिया राइस अहमद ने,
राइस अहमद की बच चुकी हैं दो और मलिंगा की बच चुकी हैं एक दो तीन चार पाँच बच चुकी हैं अब तो मलिंगा भी अपने जो से पॉइंट कम करते हुए कि राइस अहमद इस कैरम में जीत ना सकें क्योंकि राइस अहमद की अब इनकी वाइट चार पड़ी हैं मलिंगा की चार वाइट और ये क्या शॉट खेलेंगे और यहाँ पर गलत के लिए ड्रैक्ट मारी है ब्लैक को अपनी वाइट को भी टच दे रहे थे लेकिन ना प्रेशर में आए हुए हैं मलिंगा तो देखते हैं गाइस क्या होता है ला और यहाँ पर ये भी चली गई है चार पॉइंट राइस अहमद को चाहिए थे अब राइस अहमद को पॉइंट चाहिए चार लेकिन पड़े हैं तीन चले राइस अगर राइस अहमद यहाँ पर बहुत अच्छी शॉट देखने को अगर चली भी जाती तो क्या ही बात है 28 पॉइंट हो जाते राइस अहमद के लेकिन 28 पॉइंट राइस अहमद के अब भी हो सकते हैं 25 और 3 28 पॉइंट हो चुके हैं गाइस 28-23 का मुकाबला और एक जीतने को चाहिए एक पॉइंट जीतने को चाहिए राइस अहमद को यहाँ पर तो देखते हैं कि राइस अहमद कैसे यहाँ पर जीत सकते हैं या नहीं तो बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू है तो हमारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया तो इस तरह ही हम कमेंट्री करना भी सीख जाएंगे तो कैसे लगे हमारे मैच क्योंकि ये है पाकिस्तानी कैरम बोर्ड और बांग्लादेश बहुत प्यार देते हैं हमें और कहाँ पर बनाया और कहाँ पर गई और यहाँ पर क्या इसको खेला कौन सी गई और राइस अहमद यहाँ पर कवर कर सकते हैं या नहीं क्वीन आएगी बाहर तो राइस अहमद को पॉइंट चाहिए एक एक पॉइंट देखते हैं राइस अहमद ले सकते हैं या नहीं तो देखते हैं मलिंगा बहुत अच्छी गेम कर रहे हैं यहाँ मलिंगा भी विन हो सकते हैं गाइस क्योंकि एक क्वीन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए मलिंगा भी विन हो सकते हैं तो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर और बहुत अच्छी शॉट मलिंगे ने जोनसिया सेफ किया है क्वीन को तो राइस अहमद की है वाइट और साथ में ब्लैक भी डाल दिया है तो शॉट होगी भाई शॉट बहुत अच्छी शॉट देखने को यहाँ मिली और बॉर्डर के साथ पड़ी थी यहाँ पर मिसिंग की राइस अहमद ने और क्वीन को सेव किया हुआ है मलिंगे ने क्योंकि इस दफ़ा अगर मलिंगा मिसिंग करते हैं तो यहाँ पर हार जाएंगे क्योंकि एक पॉइंट चाहिए राइस अहमद को 28 पॉइंट है राइस अहमद के और बहुत अच्छी शॉट खेली है यहाँ पर अब और यहाँ पर क्वीन की तरफ आए हैं राइस अहमद क्वीन बना कर दे चुके हैं और देखते हैं मलिंगा क्या करते हैं क्वीन डालते हैं या नहीं और क्वीन नहीं क्यों नहीं और क्वीन डाल दी है अब देखते हैं कि क्वीन कवर कर सकते हैं या नहीं तो यहाँ पर क्वीन कवर कर लिया मलिंगा मलिंगा अगर यहाँ पर जीतते हैं तो इनके पूरे पॉइंट होंगे क्योंकि पांच क्वीन के होते हैं तो नंबर तो इनको छः चाहिए एक अगर वाइट बाहर हुई तो दो हुई तो एक भी हुई तो यहाँ पर मलिंगा विन कर सकते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है बहुत मुश्किल में आ चुका है मरला लास्ट मूविंग और लास्ट सीन चल रहे हैं कैरम बोर्ड के और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर अगर आप छोटे दिल वाले हैं तो ये मैच ना देखें क्योंकि बहुत घटना भी हो सकती है यहाँ पर दुर्घटना और मलिंगा ने बहुत मिसिंग गलत शॉट के लिए है और उनकी दो जर्सियाँ हार्ड हो चुकी हैं तो राइस अहमद की लास्ट बच चुकी हैं दो और मलिंगा देखते हैं कि क्या करते हैं बहुत मुश्किल में कैरम हो चुका है 28 का मुकाबला इतनी मेहनत की है राइस अहमद ने लेकिन मेहनत खाली ना जाए यहाँ पर राइस अहमद ने खेलिया बैक लेकिन राइस अहमद ने मुश्किल प्रेशर में आ चुके हैं राइस अहमद भी और मलिंगा देखते हैं क्या करते हैं मलिंगे की लास्ट बच चुकी हैं चार राइस अहमद की बच चुकी हैं दो यहाँ पर क्या किया और यहाँ पर बहुत अच्छी सेफ्टी दी है सेफ कर दी है वाइट एक अब देखते हैं राइस अहमद क्या करते हैं लास्ट बची है राइस अहमद ने बहुत अच्छी शॉट खेली लेकिन वहाँ पर ब्लैक अभी भी हार्ड है राइस अहमद से नहीं जाती और मलिंगा देखते हैं क्या करते हैं क्यों मलिंगे ने यहाँ पर प्रेशर आके मिसिंग कर दिया राइस अहमद की लास्ट बची है और राइस अहमद कह रहे हैं कि मैं वहाँ डालूँगा खुशी में है और यो यहाँ पर कहा था और जा भी रही थी यहाँ लेकिन लास्ट चौंची हैं थ्री बची हुई है मलिंगे की बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर इम्पॉसिबल है और लास्ट बच चुकी है राइस अहमद की
यहाँ पर 3 पॉइंट मिलेंगे भाई समद को। 31 पॉइंट हो चुके हैं, 28 और 3 31। और विन द मैच, कैसा लगा हमारा मैच कमेंट में बताने।